हेलो गाइस, तो वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ठीक है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे। कई बार होता है ना कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट है, बट आप जानना चाहते हो कि व्हाट आर देयर डीपेस्ट फीलिंग्स, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक चिपका दो, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन मेरी नाराज़गी मेरे प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो उसको रोक दो। तो गुस्सा भी है थोड़े से। नेक्स्ट यहाँ पे है, तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ वो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर सकता। मेरी कोई भी बात से मैं अपने प्यार को जस्टिफाई या यू नो एक्सप्लेन नहीं कर सकता या एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, शायद अपने आप से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इस रिश्ते से बहुत सारे होप्स रखता हूँ, मेरी बहुत सी उम्मीदें हैं इस रिश्ते से। मैं भगवान से हमेशा तुम्हें ही मांगता हूँ, तुम वो दुआ हो मेरी जो मैंने मांगी है और वो कबूल हो गई है। और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता, और मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत होपफुल हूँ और तुम्हें लेकर बहुत होपफुल हूँ। और क्या कहना चाहते हैं पर्सन, मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। तुम्हें लगता होगा कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, मूव ऑन हो गया हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल तुमसे आगे नहीं बढ़ पाया, मैं अभी भी तुम पे ही स्टक हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूँ और मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो तुम ये गलतफहमी अपने मन से हटा देना। एंड कहीं ना कहीं आई स्टिल फील कि हमारे बीच कुछ तो रह गया है, कुछ तो है, बाकी है। मैं प्यार भरा ऑफ़र करना चाहता हूँ तुम्हें, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्द तुम्हें वो फीलिंग्स अपनी दिल में जो भी छुपी हुई है, दबी हुई है, वो एक्सप्रेस करूँगा। और मैं पूरा यकीन करता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगी। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन बेसिकली। थोड़ा सा हिम्मत जुटा रहा हूँ तुम्हें फेस करने के लिए, तुम्हारे आँखों में आँखें डाल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन होगा, बहुत ही जल्द मैं वो अपने आप को समझा लूँगा और तुम्हारे सामने आके अपनी प्यार एक्सप्रेस करूँगा। एंड आखिरी मैसेज होगा ये, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे लाइफ पे मेरा जो हक था वो खो दिया है। क्योंकि पहले मैं तुम्हारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उतनी इम्पॉर्टेंस तुम्हारे ज़िंदगी में मेरी नहीं रही है। तो मैं कुछ भी करके तुम्हारे लाइफ में अपनी इम्पॉर्टेंस, अपनी जगह वापस बनाना चाहता हूँ। और मैं गुस्सा भी हूँ थोड़ा सा, मेरे अंदर ईगो भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड मैं बहुत ही जल्द तुम्हें ये प्यारा सा लव ऑफ़र दूंगा। सो प्लीज़ मेरा वेट करना, मेरी जगह किसी को भी ना देना। सो यही है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, एंड ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।